नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ के रामला मैदान के निकट शहीद स्मारक में आज उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड की बरसी पर शहीदों को विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि राज्य की मूल अवधारणा न तो अब तक पूरी हुई है और न ही मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा मिली है। कहा कि राज्य निर्माण के लिए बच्चे से लेकर महिलाएं और युवाओं ने योगदान दिया, जिससे कुछ लोग शहीद हुए तो कुछ घायल हो गए। उस दौर को कभी नहीं बुलाया जा सकता। इस अवसर पर जागुटा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर, विनीत पाठक, भुवन जोशी, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष टी एन भट्ट, बीपी भट्ट, परमानंद चौबे, गिरधर सिंह बिष्ट, केसी भाटिया, डीएस भंडारी, ललिता प्रसाद जोशी, धनीराम चन्याल, कीर्ति वल्लभ उपाध्याय, पुष्कर दत्त जोशी, मोहन चंद जोशी सहित कई लोग मौजूद थे। वाहनों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। अल्मोड़ा SSP RC राजगुरु के आदेश अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत भतरौज खान पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर 5 वाहन चालकों के विरुद्ध MB एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न निकलवाए गए। कौन बनेगा करोड़पति कॉन्टेस्ट में 25 लाख की लॉटरी लगने का लालच देकर 26 लाख रुपए हड़पने वाले दो साइबर ठगों पति और पत्नी को पुलिस ने केंद्रपारा उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते जनवरी माह में गणाई गंगोली के बनकोट गाँव निवासी राजेंद्र सिंह कार्की ने बेरीनाथ थाने में तहरीर देकर बताया कि बीते 20 सितंबर 2022 को उनके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने का मैसेज आया और मैसेज भेजने वाले ने अपने को KBC कस्टमर मैनेजर मुंबई राजेश शर्मा बताया और उनके द्वारा लॉटरी मैनेजर जसपाल सिंह का नंबर दिया गया, जिसके द्वारा 12,100 रुपये टैक्स पे करने तथा 15 दिन में लॉटरी की धनराशि खाते में आने की जानकारी दी। बताया कि कंपनी के अन्य चार्ज जमा करने के नाम पर कुल 26 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। तहरीर के आधार पर राजेश शर्मा और जसपाल सिंह के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना SI हरीशपुरी को सौंपी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार टीम का गठन कर साइबर सेल की मदद से आरोपियों की लोकेशन का पता कर SK अफरोज अली, पुत्र SK कमर अली और उसकी पत्नी अजमेरी खानम निवासी मिर्जा पटना, गुलाल सिंह केंद्रपारा ठाकुर पटना उड़ीसा से दबोच लिया। अजमेरी खानन को CRPC की धारा 41 क का नोटिस तामिल कराकर न्यायालय और पुलिस के समक्ष पेश होने की हिदायत दी गई। SK अफरोज अली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि उनके केंद्रपारा में अलग अलग बैंकों में खाते हैं। एक खाते में होल्ड लगने पर दूसरा खाता खोल दिया जाता है, जिनमें पैसे मंगवाकर आगे ट्रांसफर किए जाते हैं। इस मामले में आरोपियों के मौसी का लड़का अल्ताफ अली, वारसी पुत्र असगर अली निवासी खुंता मयूरभंज केंद्रपाड़ा उड़ीसा का नाम भी प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के प्रयास लगातार जारी हैं। गुमशुदा दो किशोरियों को आशारोड़ी चेकपोस्ट पर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। दोनों युवतियां घर से नाराज होकर दिल्ली को जा रही थी। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार SSP देहरादून अजय सिंह द्वारा जिले के सभी इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हुए आने जाने वाले प्रत्येक वाहन की सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी बैरियर एवं चेक पोस्टों पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज सोमवार को आशारोड़ी चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान देहरादून से सहारनपुर की ओर जा रहे एक वाहन में पुलिस को दो नाबालिग किशोरियां बैठी मिली, जिनसे पूछताछ में किशोरियां द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी न देने पर उनके घर के बारे में जानकारी लेने व संबंधित थाने एवं परिजनों से संपर्क किया गया तो पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों किशोरियां बीते दिवस घर से बिना बताए निकल गई थी, जिनके परिजनों द्वारा उन्हें लगातार तलाश किया जा रहा है। आज उनके द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट थाना चंबा जनपद टेहरी गढ़वाल में दी गई है। दोनों युवतियों के संबंध में जानकारी मिलने पर उनके परिजन काफ़ी खुश हुए और तुरंत देहरादून पहुंचे। पुलिस द्वारा दोनों नाबालिग किशोरियों को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया। दोनों किशोरियों की सकुशल बरामदगी पर परिजनों द्वारा दून पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की कार्यशैली की सराहना की गई।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।